और जिस तरह से प्लानिंग के तहत कुछ लोगों ने यहाँ पर हमारे लोगों पर हमला करने का काम किया है, मैं यकीन आप लोगों के माध्यम से उनसे बता देना चाहता हूँ कि सैनिक समाज शांति प्रिय है, सहनशील है, लेकिन इनकी सहनशीलता उनकी कमजोरी ना समझा जावे। सैनिक समाज भी इनका जवाब पत्थर से देना चाहता है, इतिहास गवाह है इस बात का। अगर कुछ लोग मुगालते में रह रहे हो उन लोगों से बता देना चाहो, सहारनपुर में देख लो इतिहास इनका क्या था। तो मैं आपसे निवेदन, आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूँ और उन लोगों को बता देना चाहता हूँ जिस तरह से हमारे लोगों पर इसने हमला करने का काम किया है, इसका जल्दी ही उन्हें सबक मिलना काम होगा। और हमारे लोग शांति प्रिय है, कानून प्रिय है। मैं आप लोगों के माध्यम से उत्तराखंड सरकार से इसके उच्च स्तरीय से जांच कराकर उन लोगों को दंडित किया जाए जिन लोगों ने इस तरह का कारनामा करने का काम किया है। मैं आप लोगों के माध्यम से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपने स्तर से इस कांड की उच्च स्तरीय जांच कराए और जिन लोगों ने इस तरह का कांड करने का काम किया है निहत्थों पर प्राणी के तहत, जबकि कोई ऐसा झगड़ा नहीं था, ऐसा कोई मामला नहीं था जिसके बुरे शांति प्रिय ढंग से सुलझा जा सकता था, लेकिन सुलझाने का काम न करके, सुलझाने का प्रयास न करके उन लोगों ने प्लानिंग के तहत हमारे लोगों पर हमला करने का काम किया। क्योंकि हमारे लोगों का एक संदेश है पूरे समाज में कि ये लोग तो बहुत सीधे हैं, ना कोई मार लो पीट लो कुछ नहीं कर सकते। और साथियों, मैंने भी हमेशा आप लोगों से कहने का काम किया है कि 75 साल इस देश को आजाद हुए हो गए हैं, इस कमजोरी का संदेश मैं हमेशा जब जब भी आपके बीच में आया हूं हमेशा आप लोगों को ये बात कहने का काम किया है कि हिम्मत और हौसला रखने का काम करो, तब ये समाज आगे बढ़ सकता है। वरना इस तरह से लोग, जिस तरह से ये लोगों ने हमले का काम करने का काम किया, इस तरह से हमला करने की इसकी हिम्मत नहीं बढ़ सकती जो उन्होंने करने का काम किया है। और साथियों, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि निश्चित तौर से आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे, चाहे मुख्यमंत्री से बात करनी पड़े, चाहे हमें जाना डीजीपी से बात करनी पड़े, चाहे किसी भी अधिकारी से बात करनी पड़े। आज हम आपके बीच में आए हैं, हम यहाँ के पुलिस प्रशासन को सिर्फ एक हफ्ते का समय देते हैं। अगर एक हफ्ते के अंदर ये जो मुलजिम जिन्होंने ये कांड किया है, जिन्होंने जघन्य अपराध करने का काम किया है, अगर एक हफ्ते के अंदर ये खोलने का काम नहीं करेंगे तो जिला हल्द्वार में जन आंदोलन होगा, सैनिक समाज सड़कों पर उतरने का काम करेगा। अगर कोई अप्रिय घटना होगी तो उसके लिए यहाँ का प्रशासन, पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा। जिस तरह का यहाँ पर सुनने को मुझे मिला है कि यहाँ के चौकी इंचार्ज दो दिन तक उसे FIR को जेल में लिए बैठे रहे, ऐसे आदमी को सस्पेंड किया जावे या लाइन हाजिर भेजना काम किया जावे, ये मैं आप लोगों के माध्यम से मांग करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से। तो साथियों, में ज्यादा कुछ नहीं कहने के लिए आप लोग आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपको न्याय मिलेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं, ऐसा नहीं है कि मर्डर को हाथ से बदलने का काम कर दे। मर्डर किया है तो निश्चित तौर से मर्डर की सजा भी उन्हें मिलने का काम होगा। तो साथियों, में ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, हमेशा संगठित होकर अपनी लड़ाई लड़ने का काम करो, कमजोरी का प्रश्न कभी करने का काम न करो। जब तक आप लोगों को कमजोरी का प्रश्न करते रहोगे, कमजोरी का संदेश देते रहोगे, इसी तरह से आप लोगों पर दूसरे लोग हमले करते रहेंगे। साथियों, मैं जाते कुछ नहीं कहते आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपको न्याय मिलेगा, आपकी लड़ाई हम यहां से लगा के हरिद्वार से लगा के देहरादून तक लड़ने का काम करेंगे, मुख्यमंत्री तक लड़ने का काम करेंगे, चाहे हमें SSP से मिलना पड़े, चाहे DI से मिलना पड़े, चाहे DGP से मिलना पड़े। मेरी भाई PC सैनी से बात हुई, ब्रह्मपाल जी से बात हुई, इन सब लोगों से बात हुई है, सोनू मेरे साथ वहीं से था, तो हम लोग DGP से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, आजकल वहीं से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे और आपके SSP से मिलेंगे। निश्चिंत रहो, आप किसी तरह की भी बात हो, आप सब लोगों के पास मेरा फोन नंबर है, शायद ऐसा कोई आदमी ना हो उसके पास फोन नंबर मेरा ना हो। आप जब भी कोई घटना हो, जब भी कोई आप पे आपत्ति हो, आप मुझे फोन करने का काम करें। 8004912131 मेरा नंबर है, सब साथियों के पास है, कोई साथी ऐसा नहीं होगा जिसके पास मेरा नंबर नहीं होगा। लेकिन मैंने आप लोगों के माध्यम से, मैं निश्चित तौर से उन लोगों से बता देना चाहता हूँ कि इस तरह की घटना करने का काम न करें जिस तरह उन्होंने करने का काम किया। इस तरह के इन लोगों को कमजोर ना समझें।